हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे ICSE क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl के PYQs। जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 2015 से लेकर 2024 तक आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ हैं। हम इनके आंसर्स देखते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज़ है, रिमेंबर, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि सब बोलते हैं कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको PYQs को सॉल्व करना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के। तो मैंने मैथ्स का बना दिया है, फिज़िक्स का बना दिया है, बायो और केमिस्ट्री के PYQs चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो वो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। तो उन वीडियोस को देखिए, उनको उन सारे क्वेश्चंस को, सम्स को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है और एक एक चैप्टर जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर के PYQ से। पहला 2024 का क्वेश्चन है, लिखा है आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। MnO2 दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl के साथ जब MnO2 रिएक्ट करता है तो क्लोरीन गैस निकलती है, येलोइश ग्रीन गैस। तो यहाँ तो आइडेंटिफाई गैस बोल रहा है, बट मैं उसका रिएक्शन भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा वो रिएक्शन, MnO2 HCl के साथ रिएक्ट किया तो मैंगनीज क्लोराइड H2O और क्लोरीन गैस निकला, ठीक है। बट आइडेंटिफाई द गैस बोल रहा है तो हम सिर्फ क्लोरीन गैस लिखेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। बट जब आप किसी भी आंसर में रिएक्शन देते हो तो उसकी आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो कि आपको समझ में आ जाता है एग्जामिनर को भी कि इसको अच्छे से आता है केमिस्ट्री। तो ये रहा वो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड। नंबर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। वो रिएक्शन मैं अभी लिख करके दे देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट बोल रहा है, स्टेट द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द गैस फॉर्म्ड अबव। एंड थर्ड है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट मेक्स इट अ सूटेबल रिएजेंट फॉर द रिएक्शन। एक एक करके सारे आंसर्स लिखते हैं हम। तो ये रहा ये सबका आंसर्स। पहला का केमिकल रिएक्शन दे दिया, ठीक है, NaCl प्लस H2SO4 दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में NaHSO4 और HCl गैस निकलेगा। स्टेट द मेथड ऑफ कलेक्शन, तो गैस इज कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड। एंड प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या था, इसमें नॉन वॉलेटाइल एसिड के रूप में काम करता है, ठीक है। अब आते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे। तो पहला लिया है, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन HCl गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू नंबर ए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नंबर बी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड नंबर डी एसिडिफाइड वाटर। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों को इस बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली ICSE क्वेश्चन बैंक है फॉर क्लास 10। दिस इज फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ये है 2025, अभी जो इस साल जो बोर्ड देने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सारे चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री के सिलेबस में है। और हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है बाय एक्सपर्ट टीचर्स। जैसे पहले हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट की नोट्स दिए हुए हैं, उसके बाद अगर हम कोई एक चैप्टर लें जैसे कि पीरियोडिक टेबल लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, फिर उसके आंसर्स बाद में दिए हुए हैं जिससे आप अच्छे से पहले प्रिपेयर करो फिर आंसर्स देखो। फिल इन द ब्लैंक्स हैं जैसे कि पैटर्न में आता है, मैच द कॉलम्स के हैं, वन वर्ड वाले, डिफाइन, एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में आते हैं उस तरीके से पूरा कैटेगराइज करके दिया हुआ है सब। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। ये आपके क्लास 10 केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसका परचेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक दैट आउट। नेक्स्ट है, स्टेट अ रेलिवेंट रीजन फॉर द फॉलोइंग, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन नॉट बी ड्राइड ओवर क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर ड्राई नहीं कर सकते हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, बिकॉज वो CaO के साथ रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ हम लिख देते हैं। तो हमने यही लिख दिया कि क्विक लाइम इज एल्कलीन इन नेचर एंड इट रिएक्ट्स विद HCl फॉर्मिंग द रेस्पेक्टिव क्लोराइड, हैंस इट कांट बी यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। CaO और HCl मिलके CaCl2 और H2 बनाता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फेरस सल्फाइड
टू हाइड्रोजन सल्फाइड यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अभी बनाते हैं। तो ये रहा फेरस सल्फाइड FeS, HCl के साथ रिएक्ट कराया तो फेरस क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S बन गया। नेक्स्ट आते हैं 2022 सेमेस्टर 2 के एग्जाम के क्वेश्चंस में। तो पहला है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर एज, ऑप्शन नंबर ए इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, बी इट इज़ लेस सॉल्यूबल इन वाटर, सी इट इज़ लाइटर देन एयर, एंड डी इट इज़ हैवियर देन एयर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट भी MCQ ही है, लिखा है द मेटलिक ऑक्साइड विच वेन रिएक्ट्स विद HCl फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो मेटलिक ऑक्साइड ही नहीं होता, नाइट्रस ऑक्साइड भी मेटलिक ऑक्साइड नहीं होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होता, सोडियम ऑक्साइड ही एक अकेला मेटलिक ऑक्साइड है, यही रिएक्ट करेगा HCl के साथ। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म फॉर द फॉलोइंग, दिया है द एक्सपेरिमेंट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस, दैट इज कॉल्ड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, दिया है एक्शन ऑफ हीट ऑन मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये रहा एक्शन ऑफ हीट ऑन मैंगनीज डाइऑक्साइड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl हुआ तो MnCl2, 2H2O और Cl2 बना। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन, इसका भी देना है, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। तो ये रहा वो रिएक्शन, Zn+2HCl मिक्स ZnCl2+H2। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एसिड, एन एसिड विच ऑन एडिंग टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस अ वाइट प्रेसिपिटेट विच इज सॉल्यूबल ऑन हीटिंग। तो आंसर होगा ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ आते हैं नेक्स्ट, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ आते हैं 2020 के क्वेश्चंस में। पहला है, स्टेट वन रेलेवेंट रीजन फॉर द फॉलोइंग, और दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। तो बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर, ये डिजॉल्व हो जाता है और फ्यूम्स बनाता है मॉइस्ट एयर में, दैट इज़ ड्रॉपलेट्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ही होते हैं वो। तो यही हम लिख देंगे, ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर एंड फॉर्म्स अ मिस्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ HCl एसिड, HCl एसिड के ही ड्रॉपलेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। हाँ, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। लिखा है पहला, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विथ सूटेबल कंडीशंस इफ एनी। अभी लिख देते हैं ये केमिकल इक्वेशन, पहले भी आया हुआ है ये। फिर है, वाई इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। चलो पहले का बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। तो ये रहा वो रिएक्शन, NaCl+H2SO4, कंडीशन है लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो NaHSO4 बनेगा और HCl गैस निकलेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है तो ये उड़ता नहीं है, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो एक वॉलेटाइल एसिड है। तो यही मैंने लिख दिया कि एज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ नॉन वॉलेटाइल एंड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस द वॉलेटाइल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज़ ये सॉल्ट सोडियम क्लोराइड्स। और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सिंस इट इज़ वॉलेटाइल, मतलब सिंस नाइट्रिक एसिड वुड वॉलेटाइल एंड मे वॉलेटाइज आउट, मतलब खुद ही उड़ सकता है अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द गैस कलेक्टेड, तो गैस कलेक्ट होता है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड से। ओके, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट है, नेम द ड्राइंग एजेंट नॉट यूज फॉर ड्राइंग द गैस, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम भी यूज नहीं होता, और P2O5 फॉस्फरस पेंटोक्साइड वो भी यूज नहीं होता। ठीक है, ये दोनों यूज नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं 2019 के क्वेश्चन पे। तो पहला है, द ड्राइंग एजेंट यूज्ड टू ड्राई HCl गैस इज, ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बी ZNO, सी Al2O3, डी CaO। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ होता है।
नेक्स्ट है स्टेट वन ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग, अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट HCl, तो क्या होगा? तो हम देखते हैं कि एफरवेसेंस के साथ में एक गैस निकलती है, दैट इज हाइड्रोजन गैस, इसका रिएक्शन भी लिख देती हूँ, ठीक है। एफरवेसेंस ऑफ H2 गैस कैन बी सीन, और ये होता है Zn होता है प्लस HCl होता है, 2HCl, ZnCl2 बनेगा और H2 गैस निकलेगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग द रेजेंट गिवन इन द ब्रैकेट। रेजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डिस्टिंग्विश करना है मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड में। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ MnO2 को रिएक्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि रेडिश येलो गैस निकल रही है, दैट इज़ क्लोरीन गैस, और नीचे जो बचता है फिल्ट्रेट वो होता है ब्राउनिश कलर का, मैंगनीज क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ हम करते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे जो बच रहा है वो ब्लूइश कलर का होता है कॉपर क्लोराइड, और कोई भी तरीके का गैस नहीं निकलता, ठीक है। तो यही पार्ट मैंने लिख दिया कि व्हेन ईच ऑफ कंपाउंड इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस इज इवॉल्व इन केस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड फिल्ट्रेट इज ब्राउनिश इन कलर, ये मैंगनीज क्लोराइड वाला कलर, और नो क्लोरीन गैस इज इवॉल्व इन केस ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड फिल्ट्रेट इज ब्लूइश इन कलर, दैट इज कॉपर क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन हम दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन दोगे तो अच्छा असर पड़ता है, बट रिएक्शन नहीं दोगे तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन लिखोगे। नेक्स्ट आते हैं 2018 के क्वेश्चंस पे। तो पहला दिया है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम सल्फाइट। तो ये रहा वो रिएक्शन, मैग्नीशियम सल्फाइट के साथ HCl को रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना, वाटर बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला। इनफैक्ट कोई भी सल्फाइट के साथ, मेटल के सल्फाइट के साथ आप HCl को रिएक्ट कराओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। नेक्स्ट है स्टेट वन रेलिवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग, क्या है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हीटेड। तो हम देखेंगे कि PbCl2 दैट इज लेड क्लोराइड मिलेगा हमको, विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, विच इज़ सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड विच इज़ सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, और हम ये बता देंगे लेड नाइट्रेट प्लस HCl तो क्या बना? PbCl2 और HNO3। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है नेम द गैस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्या है? एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन सोडियम सल्फाइड, जब सोडियम सल्फाइड के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो जो गैस बनेगी वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या H2S जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, तो लिखा है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन बी कलेक्टेड बाय डैश डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड की अपवर्ड, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है नेम द एसिड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द लेबोरेटरी, व्हाई इज दिस पर्टिकुलर एसिड प्रेफर्ड टू अदर एसिड्स। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है क्योंकि ये एक नॉन वॉलेटाइल एसिड है, ठीक है। ये आंसर हमने पहले भी दिया था, वही मैंने लिख दिया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द लेबोरेटरी, एज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ नॉन वॉलेटाइल, हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस द वॉलेटाइल हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम द सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, हैंस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ यूज एज अ रिएक्टेंट इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हमने पहले भी लिखा था, वापस लिख देते हैं। ये रहा वो रिएक्शन NaCl प्लस H2SO4 लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में सोडियम बाईसल्फेट दैट इज NaHSO4 बनाएंगे प्लस HCl गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द लेबोरेटरी, नंबर वन व्हाई इज डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर नॉट फीजिबल। सी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो हाईली सॉल्यूबल इन वाटर है, इतना सॉल्यूबल है कि जितनी जल्दी ये जनरेट नहीं होता उससे ज़्यादा जल्दी ये एब्जॉर्ब होते रहता है वाटर के अंदर, और यही रीज़न है कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में क्या होगा कि बैक सक्शन होने लग जाएगा, यानी पानी ऊपर चढ़ने लग जाएगा और पूरे पूरे अपैरेटस को, पूरे अरेंजमेंट को ख़राब कर देगा, दैट इज़ वाई डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन HCl गैस का पॉसिबल नहीं है। तो यही मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज सफिशिएंटली सॉल्यूबल या हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, सो इट इज़ एब्जॉर्ब मोर क्विकली देन इट इज़ बीइंग जनरेटेड इन द फ्लास्क, जितना जल्दी जनरेट नहीं होता उससे ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। दिस कॉजेज बैक सक्शन ड्यू टू पार्शियल वैक्यूम क्रिएटेड इन द ट्यूब, हैंस डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन HCl का पॉसिबल नहीं है वाटर में।
नाउ नेक्स्ट है, व्हाट अरेंजमेंट इज डन टू डिजॉल्व हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर? फिर भी वाटर में हम डिजॉल्व करके HCl कैसे निकालते हैं? तो हम डिजॉल्व करते हैं बाई डूइंग एन अरेंजमेंट, फनल अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अ स्पेशल फनल अरेंजमेंट इज डन इन विच एन इन्वर्टेड फनल कनेक्टेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सप्लाई इज प्लेस्ड इन द बीकर इन सच अ वे दैट इट जस्ट टचेज द वाटर टेकन इन द ट्रॉफ। दिस अरेंजमेंट मिनिमाइजेज बैक सक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन आयरन सल्फाइड। तो H2S गैस इवॉल्व होता है क्योंकि किसी मेटल का सल्फाइड के साथ में आप रिएक्ट कराओगे किसी भी एसिड को, तो H2S गैस इवॉल्व होगा और उसका स्मेल बता रहा है, इट हैज़ अ फाउल स्मेल लाइक रॉटन एग्स। नेक्स्ट आते 2017 के क्वेश्चंस पे, लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। सी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही जब लेड नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाता है वाइट प्रेसिपिटेट वो डिजॉल्व नहीं होता है वार्म करने पे, लेकिन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है वो डिजॉल्व हो जाता है वार्म करने पे, ठीक है। यही दोनों रिएक्शन भी दे दिया और बता भी दिया कि देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है वो है लेड सल्फेट, तो ये डिजॉल्व नहीं होता है ऑन वार्मिंग द रिएक्शन मिक्सचर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है वो है लेड क्लोराइड विच इज़ डिजॉल्विंग वेन वॉर्म्ड। सो ये वॉर्म होने पर रिएक्शन मिक्सचर डिजॉल्व हो जाता है, क्लियर सोल्यूशन बना देते हैं। अब आते हैं 2016 के क्वेश्चन पे, पहला है द एम ऑफ द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव दैट, नंबर ए HCl टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बी HCl इज डेंसर देन एयर, सी HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड डी HCl फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। जो मेन एम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का वो है कि HCl इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर दिखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्लस HCl किया तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा NaClH2CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड द मिक्सचर इज हीटेड। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब इसको मिक्स करेंगे तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और वार्म करेंगे हीट करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट दोगे वो डिजॉल्व हो जाएगा लेड क्लोराइड, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट PbCl2 का बना एंड विच इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एफर्वेसेंस के साथ CO2 निकलेगा विच कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। ओके, कॉपर कार्बोनेट प्लस HCl तो वही सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना CuCl2H2 और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इज एडेड टू सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब डाइल्यूट HCl रिएक्ट करता है तो सल्फर के पार्टिकल्स आ जाते हैं येलो कलर के। ओके, सो सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Na2S2O3। HCl के साथ रिएक्ट कराया तो NaCl बना, मतलब सॉल्ट बना, SO2, S और H2। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो निकला ही है लेकिन साथ में सल्फर के येलो कलर के सल्फर के पार्टिकल्स रहते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड एंड गिव द केमिकल टेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फाइट, और दूसरा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन सल्फाइड। जब सोडियम सल्फाइट के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, और जब आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी, ठीक है। सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट वाटर SO2 बना, और आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट मतलब FeCl2 और H2S गैस बना। अब आते 2015 के क्वेश्चंस पे, तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसिड विच मैचेस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, द एसिड ऑन मिक्सिंग विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस अ वाइट प्रेसिपिटेट विच इज़ सॉल्यूबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमको वो एसिड बताना है,
वो एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर पर्टेनिंग टू द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, राइट द इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन मेंशनिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी दे देते हैं। तो ये रहा वो रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज द कंडीशन, तो NaHSO4 प्लस HCl बनता है। लिखा है नेक्स्ट, नेम द ड्राइंग एजेंट यूज एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ड्राइंग एजेंट में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, और रीज़न है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, स्टेट अ सेफ्टी प्रिकॉशन यू वुड टेक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सेफ्टी प्रिकॉशन ये भी लिख सकते हो कि केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स पहन के रखने, या केमिकल रेजिस्टेंट गॉगल्स पहन के रखने। फिर किस तरीके से डालना है, हमेशा एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में डालना है, नहीं तो स्प्लैश आउट हो जाएगा। सो पहला लिख दिया, यू शुड वेयर केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स एंड अ केमिकल रेजिस्टेंट एप्रन इन द लेबोरेटरी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है, यू शुड ऑलवेज ऐड द एसिड सॉल्यूशन टू वाटर एंड नॉट द वाटर टू एसिड सॉल्यूशन, बिकॉज द वाटर इन कॉन्टैक्ट विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड कैन कॉज अ राइज इन द टेम्परेचर एंड द बीकर कैन ब्रेक और बी लेस वायलेंट, तो उससे हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है 2015 का क्वेश्चंस, यानी कि सारे क्वेश्चंस 2015 से 2024 तक हमने कर लिए फ्रॉम द चैप्टर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी में नए दूसरे चैप्टर्स जो हैं या वो केमिस्ट्री के या फिर बायोलॉजी के लेकर के आऊँगी, तो स्टे हुक्ड, प्रिपेयर करते रहो एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी विश है। आई होप आप लोग भी उतनी ही ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, करना शुरू कर दिए होंगे या प्लानिंग कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय, जय हिंद।